अचानक सुबह घर से निकले फ्रेंड्स, तो मुझे जाना पड़ा। जैसे कि आपका, सबसे पहले मैं आया द्वारका में, और द्वारका से गाइस अभी मैं आया था कुछ अर्जेंटली काम से इधर आपके BSF कैंप तिगड़ी खानपुर के पास गाइस। तो अभी हम लोग रिटर्न चलते हैं यहाँ से द्वारका साइड की। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आपको लेके चलता हूँ, तो आप बने रहे वीडियो के साथ, वीडियो के एंड तक गाइस। और आज हम लोग जाने वाले फ्रेंड्स साकेत की तरफ। तो साकेत, और क्या बोलते हैं आपका, ये चिराग दिल्ली साइड में भी निकलेंगे फ्रेंड्स, तो दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा गाइस। तो आप बने रहे वीडियो के साथ, काफ़ी इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला गाइस, तो आप बने रहे वीडियो के साथ। हम लोग आज आए हुए हैं तिगड़ी में, तिगड़ी जो कि दिल्ली में पड़ता है फ्रेंड्स, खानपुर के पास। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ वेट कर रहे हैं, किसी मित्र से मिलने के लिए आए थे फ्रेंड्स, तो अगर वो मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग निकलेंगे गाइस यहाँ से रिटर्न। तो देखते हैं फ्रेंड्स कितना और समय लगता है उनको आने में। गाइस काफ़ी भीड़ भाड़ हुआ करती है रोड पे, इतनी भीड़ हुआ करती है गाइस, जो कि दिल्ली का माहौल तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, जैसा कि प्रॉब्लम होती है, मतलब गर्मी के टाइम पे वैसे इतनी गर्मी होती है गर्मियों के दिनों में, और ऊपर से रोड पे ट्रैफिक उतना ज़्यादा, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है गाइस। इस प्रकार से देखिए, अभी हम लोग देखिए सीमा सुरक्षा बल, मतलब BSF के गेट के पास खड़े थे फ्रेंड्स, तो करते गेट यहाँ पे, अगर वो मिलते हैं दोस्त तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग निकलेंगे गाइस, क्योंकि तो गर्मी काफ़ी हो रही है फ्रेंड्स, और यहाँ पे काफ़ी बहुत काफ़ी समय पहले आए थे दोस्तों, जो कि 10 ईयर के आसपास हो चुके होंगे। तो जब से हम लोगों ने देखा आज आके यहाँ पे, तो काफ़ी मतलब बदलाव तो कुछ हुआ है, कोई ख़ास बदलाव नहीं हुआ है साइड में, बाकी तिगड़ी के पास खानपुर पड़ता है, संगम बिहार और बांध रोड भी पड़ता है गाइस इसी रोड पे आगे। तो देखते हैं हम लोग चलते हैं, करते हैं कुछ वेट, फिर उसके बाद निकलते हैं। काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनको तो टाइम लगेगा अभी, तो फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से गाइस रिटर्न द्वारका की तरफ। तब तक आप बने रहे वीडियो के साथ, वीडियो के एंड तक दोस्तों। देखिए काफ़ी ट्रैफिक हुआ करता है दिल्ली के अंदर, संगम बिहार और खानपुर में। ये खानपुर दोस्तों, खानपुर हेडलाइट के साथ हम लोग खड़े हुए हैं खानपुर हेडलाइट से। देखिए दोस्तों काफ़ी भीड़ हुआ करती है फ्रेंड्स, और इधर राइट में रोड जाता है दोस्तों साकेत की तरफ। गाइस इस प्रकार से काफ़ी चहल पहल रोड पे रहा करके फ्रेंड्स, तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से गाइस, धीरे से चलें, लिखा हुआ है मेट्रो लाइन का काम चल रहा है फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे रिटर्न। आप बने रहे वीडियो के साथ, वीडियो के भीड़ भाड़ हुआ करती है रोड पे इस टाइम, सारे दिन में भाई साहब इतनी गर्मी हो रही थी, मैं क्या बताऊँ आपको, दिल्ली की गर्मी तो आप समझ ही सकते हैं गाइस, क्योंकि दिल्ली की गर्मी इतनी भयंकर गर्मी होती है जो कि कुछ कहा नहीं जा सकता है गाइस। एक तो रोड से गर्मी निकलती है दोस्तों, इतना ट्रैफिक होता है दिल्ली के अंदर उसकी वजह से गर्मी, और कुछ इधर इतनी बिल्डिंगें हुआ करती हैं गाइस, तो बिल्डिंगों की वजह से भी काफ़ी भीड़, काफ़ी मतलब गर्मी रहा करती है फ्रेंड्स। इस प्रकार से काफ़ी मौसम भी है, कुछ ट्रैफिक की वजह से, गाड़ियों की वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी और भीड़ भाड़ रहा करती है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग चल रहे हैं गाइस आगे की तरफ, जैसे कि रिटर्न द्वारका की तरफ। तो आप बने रहे वीडियो के साथ, वीडियो के एंड तक। जय जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय जय सियाराम, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। फ्रेंड्स गर्मी की वजह से देखिए अभी इवनिंग का टाइम होने वाला है, अभी हम लोग दोपहर से फील्ड पे ही हैं आज, तो काफ़ी मतलब गर्मी का सामना करना पड़ रहा है फ्रेंड्स। देखिए हम लोग फ्लाईओवर पे आ चुके हैं, ये फ्लाईओवर पड़ता है दोस्तों बसंत कुंज का, तो बसंत कुंज फ्लाईओवर के पास हम लोग अभी चल रहे हैं गाइस।
अभी देखते द्वारका पहुंचने में हमें कितना समय लगता है फ्रेंड्स। गर्मी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों गाड़ी वालों को और बाइक वालों को, क्योंकि ट्रैफिक बहुत जल्दी हो जाता है। दिल्ली का ट्रैफिक तो पता ही है आपको किस तरीके से होता है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। फ्रेंड्स आज मेरा सफ़र था कि लोग निकले थे सुबह घर से, तो अचानक सुबह घर से निकले फ्रेंड्स तो मुझे जाना पड़ा। जैसे कि आपको सबसे पहले मैं आया द्वारका में, और द्वारका से गाइस अभी मैं आया था कुछ अर्जेंटली काम से इधर आपके BSF कैंप तिगड़ी खानपुर के पास गाइस। तो अभी हम लोग रिटर्न चलते हैं यहाँ से द्वारका साइड की ओर, तब तक आप बने रहें वीडियो के साथ वीडियो के एंड तक। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हो सकता है गाइस पार्क में भी जाने का इरादा था, तो देखते हैं गाइस अगर समय होता तो पार्क में हम लोग जाते हैं, अदरवाइज नहीं तो रिटर्न चलते हैं गाइस, क्योंकि और भी अदर काम हो जाते काफ़ी सारे हमारे पास, तो वो भी चीज़ें हमें लोगों को देखनी पड़ती गाइस। एंट्री कर चुके हैं गाइस और द्वारका से, द्वारका ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ जाता है गाइस। ड्राइवर देखे अंडरपास है जिसके अंदर हम लोग चल रहे हैं अभी, अंडरपास के अंदर। अंडरपास में भी फ्रेंड्स काफ़ी अंधेरा रहा करता है। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बाहर की ओर। जय जय सिया राम। ये देखिए दोस्तों फ्लाइट उतर रहा है डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास, जहाज उतर रहा है एरोप्लेन। जय जय सिया राम। तो गाइस हम लोग द्वारका पालम की तरफ हम लोग चल रहे हैं अभी। जय जय सिया राम। हम लोग अभी आ चुके हैं दिल्ली कैंट, नियर में पालम पड़ता है दोस्तों, और साथ में डोमेस्टिक एयरपोर्ट, तो हम लोग उसको क्रॉस करके आ चुके हैं। अब आएगा आगे पालम के लिए फ्लाईओवर, पालम फ्लाईओवर दोस्तों जिसको बोलते हैं, उसको क्रॉस करने के बाद हम लोग द्वारका में अंदर एंट्री हो जाएंगे गाइस। तो गाइस देखते हैं और कितना समय लगता है फ्रेंड्स, गला सूखने लगता है दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगती है ब्लॉगिंग करने में भी और ट्रैवलिंग करने में भी गाइस, और वो भी ऐसी गर्मी पता ही है कि काफ़ी प्रॉब्लमें होती हैं ट्रैवल करने में और ब्लॉगिंग करने में दोस्तों। तो आप लोग सपोर्ट करा करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे नए जुड़े सब्सक्राइब करें। वाले हैं जस्ट मधु विहार, जैसा कि दोस्तों मैंने काफ़ी यहाँ पे आपको दिखाया नज़ारा और काफ़ी माहौल दिखाया फ्रेंड्स, जैसा कि बहुत ही गर्मी का माहौल था और भीड़ भाड़ भी थी काफ़ी गाइस। तो हम लोग भीड़ से मुक्ति पाकर अभी जस्ट निकल के आए हुए हैं मधु विहार में गाइस। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान प्रभु, जय सिया राम, जय हनुमान जी। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मधु विहार में, चलते हम लोग आगे। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को भी शेयर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे, तो आप उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं सभी माताओं बहनों को और भाइयों को एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी माताओं बहनों को और भाइयों को जय सिया राम, जय माता।